सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जो जिसमें मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब इस क्वेश्चन में मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में ओपन रखना तो जल्दी समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को आपको करना नहीं, सिर्फ सुनना है और बाद में आप खुद करना। आज ऐसा क्यों करवा रहा हूं, जरा ध्यान दे के सुन लो, एक एग्जाम्पल से सुनिएगा। मान लो कि यहां से बहुत दूर 3-4 किलोमीटर दूर एक प्लेस है, एक जगह है, आपको वहां जाना है, तो आप रोज ही वहां जाते रहते हो, कई रास्तों से जाते हो, अलग अलग कई रास्ते, आप उन रास्तों से वहां जाते ही रहते हो, ठीक है, आपको वहां पहुंचना है, ठीक। ये पहली सिचुएशन। सिचुएशन टू, आप जिस प्लेस पे अभी बैठे हो ना, ये आपके लिए नया है, जहां जाना है वो भी आपके लिए नया है, ये शहर ही आपके लिए, ये सिटी ही आपके लिए नई है। तो ऐसे में अगर आपको वहां पहुंचना है तो आप रास्ते में लोगों से पूछते पूछते वहां जाओगे, कहां कहां पूछना, बार बार यहां से कोई समझा भी देगा फिर भी उलझ जाओगे, रास्ते में किसी और से पूछोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर पूछोगे, ऐसे करते वहां पहुंचोगे। तो मैंने आपसे कहा कि आपको वहां उस प्लेस पे जल्दी से जल्दी पहुंचना, जितना जल्दी पहुंच सकते पहुंच लो, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर रहेगा। तो आपकी स्पीड सिचुएशन वन में ज्यादा होगी कि सिचुएशन टू में ज्यादा होगी आपकी स्पीड? सिचुएशन वन में होगी, क्योंकि आप तो रोज ही जाते हो वहां, कई रास्ते हो, आपको सभी रास्ते मालूम है, तो आप सिचुएशन वन में बस आपको किसी से पूछना थोड़ी है, तेजी से जैसे मैंने बोला 1 2 3 किसी से पूछोगे थोड़ी, आप बताओ प्लेस कौन सा है, तेजी से भागना शुरू किया और जाते जाओगे, रास्ते में ट्रैफिक भी मिल गया तो जल्दी से रास्ता बदल के किसी और रास्ते से जाओगे, क्योंकि तुमको कई रास्ते मालूम है। सिचुएशन टू, अब शहर ही तुम्हारे लिए नया है, इस शहर में कभी आए नहीं हो, प्लेस का नाम पहली बार सुना है, तो लोगों से पूछते पूछते आगे बढ़ोगे, रास्ते में कहीं ट्रैफिक हुआ तो आप ट्रैफिक में फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सा और रास्ता है, उसी में से उलझते हुए आगे निकलोगे आप। जो चीज आपने कई बार करी है, स्पीड तो वहां बनेगी जहां पे आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना, सब तो मालूम है, सिर्फ चलना ही चलना है आपको, तो वहां आप स्पीड मेंटेन कर पाओगे। जहाँ पूछते चलना है, जहाँ दिमाग लगाते चलना है, जहाँ सोचते सोचते आगे चलना है, ऐसा ना हो कि हम रास्ते गलत पे चले जाए। सिचुएशन टू में आप गलत रास्ते पे चले भी जाओगे, फिर वापस भी आओगे, क्योंकि रास्ता पहली बार है शहर, गलत रास्ते जाना ही है, स्वाभाविक है, ऐसा होना ही है। तो अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, सुने, बोर्ड के एग्जाम में आपको एक सिचुएशन आएगी, वहां पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में एंटर करनी है, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है, 3 घंटे में पूरा पेपर करना है। जिन बच्चों को पूरा पेपर आता है और अच्छी तरह किया जा सकता है तो उनको टाइम बहुत कम पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो वहां पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों कैसे मेंटेन होगी, कैसे डेवलप होगी आपके अंदर, तो पहले कई बार एक्यूरेसी की बात करिए, आज मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। पहले पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लो, उससे माइंड में फ्रेम बन जाएगा, फ्रेम हो जाएगा वो क्वेश्चन। अब आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है, माइंड ज्यादा तो नहीं लगाना, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखते जाओ, माइंड में क्वेश्चन पूरा पड़ा है, उठाओ लिखते चले जाओ स्पीड। अब यहां पे आपको चेक करना है कि आप स्पीड से और स्पीड से और स्पीड लिख पा रहे हो कि नहीं, कि आपको बार बार सोचना पड़ रहा है, बार बार आपकी कलम रुक जाती है, तो मतलब आपकी स्पीड कम है, आप बहुत, आपके माइंड में भी कंसेप्ट अंदर अच्छी तरह बैठे नहीं है, तो जो चीज वीक है आपको महसूस होगी तो आप डेवलप भी कर लोगे चीजों को, ठीक। तो चले, तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन समझेंगे, ये बात हुई है हमारी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये रहा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख 75 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017। देखो यहां पर एक खास बात है इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख 75 रिस्पेक्टिवली ऑन अप्रैल 1, 2017। तो सबसे पहले बताओ कि ये जो कैपिटल है ये कौन से अकाउंट में लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल।
किस नाम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय कुछ बैलेंस बीडी बोल रहे हैं, कुछ बैंक बोल रहे हैं। अब सही क्या है वो मैं बताऊंगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस, एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस। जब बिजनेस ही अभी स्टार्ट हुआ तो पिछले साल से बैलेंस कैरी होके कैसे आ सकता है? जब हम कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिखकर कैपिटल लिखते हैं, मतलब कि कैपिटल पिछले साल से कैरी होके आई है यहाँ पर। जब बिजनेस ही अभी स्टार्ट हुआ तो लास्ट ईयर से बैलेंस कैरी होके कैसे आएगा? ये तो इसी साल कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हुआ है, इसी साल बिजनेस में कैश आई है, इसलिए बाय बैलेंस बीडी की जगह बाय बैंक अकाउंट आएगा। चूंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में, करीब कर सब क्वेश्चन में बैलेंस दिया होता है, इसलिए हम हमेशा बैलेंस बीडी के नाम से कैपिटल लिखते हैं, इसलिए आदत पड़ जाती है ऐसा लिखने की। फिर एग्जाम में भी ऐसा लिखते हैं, जबकि कभी कभी बाय बैंक वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में आपको कौन कौन सी बातें माइंड में याद रखनी है, तो इतनी सारी बात आपको बताता ही रहता हूँ। कोई याद रहेगी क्या अंदर में आपको? जब आप बोर्ड के एग्जाम में करोगे तो कौन कौन सी बातें याद रखना, कोई याद रहेगी क्या? ऐसे याद नहीं होगी। साल भर इन ये बातें याद रखोगे तो वहाँ पे अपने आप इन्हीं के अकॉर्डिंग चलोगे, कहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या बारीकी से देखना है, वो आप अपने आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोगे। तो एक दूसरे को याद दिलाया करो, यार वो बाय बैलेंस बीडी बाय बैंक ये वाली बात सर ने क्या बताई थी, यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसे करके सब बातें याद करना चाहिए। आगे सेकंड लाइन, ऑन 1st November 2017 एक्स प्रोवाइडेड लोन 1,25,000। एक्स ने लोन दिया है तो बताओ जो एक बताओ कि जो एक्स ने लोन दिया है ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा कि कैपिटल अकाउंट में आएगा? कुछ अप्रोप्रिएशन बोल रहे हैं, कुछ कैपिटल बोल रहे हैं, कुछ लोग तो सर ही हिला रहे हैं। रॉन्ग, ये लोन अमाउंट है, ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं आएगा, वो तो रॉन्ग हो गया आपका। फिर पार्टनर्स जो लोन देते हैं वो इन एडिशन टू कैपिटल होता है, वो कैपिटल के अलावा होता है, वो लोन अलग से देते हैं, उसको लोन कैपिटल में मर्ज नहीं करना है, कैपिटल में लोन को नहीं मिलाना है, इसलिए पार्टनर जो लोन देते हैं उनका अकाउंट अलग से बनाया जाता है, उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये लोन का अमाउंट है, ना P&L अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे और ना ही कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, यानी दोनों अकाउंट में नहीं आएगा। तो जो बात आपको याद आ रही है जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे भी आगे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी एंट्री आगे चल के सोचेंगे, पर ये लोन है, लोन की एंट्री तो कहीं नहीं होगी भाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है थर्ड लाइन में आ गए हैं, एज पर द प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में एक क्वेश्चन मेरा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो, कितनी बार समझाया पिछले लेक्चर्स में, डीड एग्रीमेंट ये क्या हो रहा है? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट, सर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहे हो। थोड़ा सा गलत बोल गए, तो सुनिएगा, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में हो तो वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक, पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट को रिटर्न में ले लिया जाए तो वो जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट बना उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो यानी पार्टनरशिप डीड जो है वो डीड तो है ही इटसेल्फ, पर वो एग्रीमेंट भी है, तो डीड एग्रीमेंट भी है और डीड भी है, पर सिर्फ एग्रीमेंट को डीड नहीं बोल सकते हम, एग्रीड सब लोग एग्रीड। अब पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या डीड बनी है, अब देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे,
बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने पूरे चैप्टर को यहाँ पे एक जगह ला के खड़ा कर दिया है। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये वाला लेक्चर अच्छी तरह सुन ले और उसको दो दो तीन तीन बार पढ़ ले, मुझे नहीं लगता है कि कोई सा पॉइंट उसका बाकी रह जाएगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, छोटे मोटे एक दो पॉइंट रह जाएंगे, बाकी करीब करीब पूरा 90% ज्यादा चैप्टर आपका यहाँ हो जाएगा। तो 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पॉइंट क्या है जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। 20% ऑफ प्रॉफिट क्या बोला है, 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट का 20% बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के पहले बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन लिखने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले अप्रोप्रिएशन के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उसका 20% टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बात को फिर समझा रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट नहीं करना है और अप्रोप्रिएशन एडजस्ट करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट आए उसका 20% कैलकुलेट करना है और वो अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब मैं लैंग्वेज चेंज करके फिर समझा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको बहुत बारीकी से समझना है। इसको जनरल पॉइंट समझ के चलोगे तो फिर सोचोगे इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है, हमने कई बार तो किया है, लेकिन जब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो पहली बात तो अप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं वो क्लियर कर लेते हैं हम। तो भाई यहाँ पे अप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मेरे पास ये प्रॉफिट है, मैंने इसमें से कुछ प्रॉफिट पार्टनर्स को सैलरी के नाम पे दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। मैंने इस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट पार्टनर्स को कमीशन के नाम पे दे दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। मैंने इस प्रॉफिट में से पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल के नाम पे अमाउंट दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। यानी कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल आता है, सैलरी टू पार्टनर्स आता है, कमीशन टू पार्टनर्स आता है, और भी चीज़ें आती है, डिविजिबल प्रॉफिट आता है सबसे लास्ट में, ये सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इनको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, नहीं एक और, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनता है तो हम नेट प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। जो अप्रोप्रिएशन की चीज़ें होती है वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। फिर लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट साइड का नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ले लेंगे, है ना, डेबिट के सभी अप्रोप्रिएशन माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई क्रेडिट में से नेट प्रॉफिट तो ले लो लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी मत लेना, क्रेडिट में से नेट प्रॉफिट उठा लो, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी मत लेना, डेबिट के सभी अप्रोप्रिएशन माइनस कर दो प्रॉफिट में से। अब जो प्रॉफिट आ जाए उसका 20% कैलकुलेट करो, जो आ जाए उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो मैंने आपको समझाया जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कैलकुलेट कैसे होगा, अब समझा रहा हूँ कि उसकी एंट्री कहाँ पे होगी। तो पहले आप बताओ जो अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा उसको कहाँ लिखेंगे, कौन से अकाउंट में, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और कहाँ लिखेंगे, कुछ पार्टनर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, और कुछ लोग कंफ्यूज्ड कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग, यानी कि वो कुछ और बोलना चाहते हैं, यस लिखेंगे ही नहीं। तो जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में आएगा, क्यों आएगा समझाऊंगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट में तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा वो भी समझाऊंगा। देखो मैंने अभी हाल आपको बताया अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये मेरे पास प्रॉफिट है, मैं इसमें से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में अलग करके रखूंगा, इसमें से कुछ पैसा उठाया और उसको मैं रिजर्व करके रख रहा हूँ, तो ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट में से कुछ पार्टनर को देते जा रहा हूँ, कुछ अलग करके इमरजेंसी के लिए रख रहा हूँ, तो जो इमरजेंसी के लिए अलग करके वो भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही तो है, वो भी अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, इसलिए वो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। तो वो जनरल जो ट्रांसफर हुआ वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। ये पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया, पार्टनर्स के अकाउंट में थोड़ी ट्रांसफर किया,
इसलिए ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। एग्रीड? तो अगला पॉइंट पढ़ो। अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जरा ध्यान से पढ़ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हर पॉइंट को मैं कंसेप्ट के साथ क्लियर कर रहा हूँ। पहले तो कई बार आप कर चुके हो तो आप सबको ही मालूम है कि इंटरेस्ट कैपिटल जो है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट कैपिटल, तो दोनों में लिखेंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब पहले कहाँ लिखो बाद में कहाँ लिखो उससे क्या फर्क पड़ता है, बोर्ड में नंबर तो पूरे ही मिलेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे या पहले वहाँ लिखेंगे इससे थोड़ी फर्क पड़ता है नंबर पर। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई पहले इंटरेस्ट कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना और फिर अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखना, जब दोनों में से पहले कहाँ बाद में कहाँ लिखो उससे फर्क तो पड़ना नहीं, नंबर तो उतने आने, तो फिर मैंने इसे क्यों समझाया था, तो वो बात मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना क्या लॉजिक था इसके पीछे। ऐसा करने से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट पहले लिखकर अप्रोप्रिएशन में बाद में लिखने से आपका टाइम बचेगा एक, दूसरा मिस्टेक के चांस कम हो जाएंगे दो। ये ऐसे कैसे होगा ये समझा रहा हूँ आपको। तो जब हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे ना, तो चल रहे हैं तो अगला पॉइंट क्या है देखिए, तो हमने सेकंड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर ली थी, इसी में आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्वेश्चन क्या जल्दी जल्दी जब करते जाते हैं ना तो हम चीज़ें कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो क्या चीज़ें पे ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखना है, मैं वो चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे एक वर्ड देख लिया करो, पर एनम या एनुअली, दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट है 10%, 10% के आगे पर एनम भी दिया हुआ है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% नहीं देना है, 10% तो एनुअल है, पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुआ है कि भाई 10% इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का, दिया लेंगे उनसे, है ना, एनुअल रेट है। तो जब एनुअल रेट होती है तो वहां पे डेट ऑफ ड्राइंग देखी जाती है और डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जो बता रहा हूं, जब पर एनम रेट दिए तो डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक जितने महीने होते उतने महीने का इंटरेस्ट लगा लेंगे, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिए तो एवरेज पीरियड यानी जितने भी टाइम का अकाउंट बना रहे उसका आधा टाइम ले लेंगे। यूजुअली ईयरली अकाउंट बनता है, ईयर का आधा, सिक्स मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा, पर कभी कभी क्वेश्चन नाइन मंथ के भी आ जाते हैं कि फॉर द नाइन मंथ एंडेड ऑन मार्च बनाओ अकाउंट, तो नौ महीने का अकाउंट बन रहा है तो उसका आधा 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कभी कभी आता है प्रिपेयर अकाउंट हाफ ईयरली फॉर ऑन 30th June, तो हाफ ईयर का अकाउंट है तो एवरेज टाइम 3 मंथ हो जाएगा, तो जितने टाइम का अकाउंट बना है उसका आधा टाइम लेकर उसका इंटरेस्ट लगा देंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे एनुअल या पर एनम वर्ड नहीं हो तो वहां पे पूरे साल भर की टोटल ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगेगा और टाइम इग्नोर हो जाएगा, साल भर का इंटरेस्ट लगा देंगे। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 10% दिया है तो साल भर की ड्राइंग का एनुअल ड्राइंग का 10% कैलकुलेट करके और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर देंगे, टाइम नहीं देखेंगे। एग्रीड? तो ये पॉइंट खत्म हुआ। अब आगे पॉइंट नंबर थर्ड, एक्स टू गेट मंथली सैलरी 12,500 एंड वाई टू गेट सैलरी 22,500। यहाँ पे एक्स की मंथली सैलरी दी हुई है उसमें इंटू 12 करेंगे तो एनुअल सैलरी आएगी, वाई की क्वार्टरली सैलरी दी हुई है तो उसमें इंटू 4 करेंगे तो एनुअल सैलरी आएगी। जो एनुअल सैलरी आएगी ना उसकी एंट्री होगी, जो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में पार्टनर सैलरी लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, वो एनुअल सैलरी लिखते हैं। अब क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन जल्दी 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 करते जाते हैं ना स्पीड बढ़ाने के लिए ताकि टाइम पे क्वेश्चन हो जाए, तो क्वेश्चन में सैलरी मंथली दी हुई है इंटू 12 करना ही भूल जाते हैं, क्वार्टरली दी हुई है इंटू 4 करना भूल जाते हैं, इंटर सैलरी देकर फर्स एंट्री कर दी। नो, तो क्या चीज आपको याद रखते हो स्पीड बनानी है, मैं वो बात आपसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा समझ के फिर करूँगा, एक बार लिख के देखो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं तो पॉइंट नंबर है फोर्थ,
फोर्थ पॉइंट है एक्स इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल, सेल को टर्नओवर भी बोलते हैं याद रखना, सेल फॉर द ईयर वर 8,75,000, तो 8,75,000 का 5% निकालेंगे कमीशन आ गई, अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे, ये नॉर्मल पॉइंट है, इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है समझाने का। आगे उसके बाद में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब जो दो पॉइंट आएंगे दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह कवर करेंगे हम। तो फिफ्थ पॉइंट शुरू हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन अप टू ₹4,87,500। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसमें से 4,87,000 तक का प्रॉफिट तो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, एंड अबव 4,87,500 इक्वली, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए तो इक्वली डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन है कि इसके अंदर नया क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के सुनना कि इसके अंदर नया क्या है, 4,87,500 तक का प्रॉफिट तो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। पहले इसका मतलब जो जनरल पॉइंट सबको मालूम है पहले वो रिपीट कर लूँ फिर नए पॉइंट पे आऊँगा। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में पढ़ो क्या लिखा है, कैपिटल कितनी है 5,00,000 and 3,75,000, ये कैपिटल है, इसका रेशियो निकालते हैं। तो 5,00,000 और 3,75,000 का रेशियो कैसे निकलेगा, 3-3 जीरो हटा दो तो 500 बच जाएगा, 375 बच जाएगा, इसको 25 से डिवाइड करो जो आ जाए, 5 से डिवाइड करो तो 4:3 आ जाएगा। वीडियो पॉज करके देखना, ठीक नहीं समझ में आ रहा है तो 500 और 375 बच गया था, उसको 5-5 से तब तक काटते जाओ जब तक वो कटते जाए, जिससे भी डिविजिबल हो उससे डिवाइड करते चले जाओ, लास्ट में 4:3 बचेगा, उसके आगे नहीं कटेगा। तो कैपिटल का रेशियो क्या बन गया 4:3, तो 4,87,500 तक का प्रॉफिट तो 4:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, 4,87,500 तक का प्रॉफिट तो 4:3 में डिवाइड होगा। तो इसमें नया पॉइंट क्या है वो समझ लो, अब मान लो प्रॉफिट ही 2,00,000 हुआ तो 4:3 में डिवाइड करेंगे, मान लो प्रॉफिट 4,50,000 हुआ तो तब भी 4,87,500 के नीचे ही 4:3 में डिवाइड होगा, एग्जिट 4,87,500 हुआ तो भी 4:3 में डिवाइड करेंगे, अगर प्रॉफिट 5,00,000 हुआ तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, 4,87,500 तो 4:3 में डिवाइड होगा, उससे ऊपर जो 12,500 प्रॉफिट बाकी बच गया उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो मैं बोलूंगा, अब आप लोग सब चारों तरफ बच्चे चुप, 4,87,500 प्रॉफिट तो 4:3 में डिवाइड करेंगे, उसके ऊपर जो 12,500 बच गया वो इक्वली डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन ये कि सर प्रॉफिट हुआ ही नहीं उल्टा लॉस हो गया, तो भाई जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना लॉस पे भी वही रेशियो लगता है हमेशा, ये लॉ है, जो पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग इशू डिसाइड किया है वही लॉ पे भी लॉस पे भी लगेगा, अगर लॉस हुआ तो 4,87,500 तक का लॉस 4:3 में जाएगा पार्टनर्स में, उसके ऊपर जो लॉस है वो इक्वली डिवाइड होगा। फिर अगली बात कि जो लास्ट में डिविजुअल प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको लिखेंगे कैसे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर अंदर एक्स और वाई, पहले 4,87,500 से अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो तो 4,87,500 4:3 में डिवाइड करके अंदर ही ए और बी के सामने अमाउंट लिख देंगे, फिर जो बाकी का प्रॉफिट बच गया वो इक्वली डिवाइड करके ए और बी के सामने जो पहले दो अमाउंट लिखे थे उन्हीं के नीचे लिख देंगे, ए का टोटल अंदर ही लगा देंगे, बी का टोटल अंदर ही लगा देंगे, जो भी पार्टनर के नाम हो, जो फाइनल अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लेके चले जाएंगे। एग्रीड yes, सब लोग एग्रीड yes, आगे पढ़ गया। अब आगे अगला पॉइंट भी बहुत अच्छा है, वो भी ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट बच गया है क्वेश्चन में। तो आखिरी पॉइंट ये है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट वाज 11,52,500, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। इसमें नया पॉइंट क्या है वो सुन लो, पहली लाइन में एंड, इसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के एंड में, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट, कोई सा भी इंटरेस्ट माइनस करने के पहले,
अब इस क्वेश्चन में तीन तीन इंटरेस्ट आए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन भी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले का आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद कर प्रॉफिट आता है अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो एक चार्ज है, पीएनएल के अकाउंट में जाता है, डेबिट में जाता है, तो नेट प्रॉफिट में माइनस होके आता है, पर यहाँ पे वो माइनस नहीं हुआ है, करना है। कैसे करेंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट बीडी प्रॉफिट अंदर ही लिखेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर देंगे, पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट लोन माइनस कर देंगे, बचा हुआ प्रॉफिट बाहर लिख देंगे। एग्रीड? सब लोग एग्रीड। इसी में बस एक लाइन बाकी रह गई है क्वेश्चन में, द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 2,50,000 एंड 3,12,500। इस ड्राइंग के बारे में दो बातें, ड्राइंग कहाँ आती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट में। एक तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में टू ड्राइंग्स करके लिख देंगे, ठीक। अगर यहाँ पे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल बोला होता तो टू बैंक के नाम से लिखते हैं, सिर्फ ड्राइंग तो आउट ऑफ प्रॉफिट है, ड्राइंग के नाम से आती है। दूसरी बात, यहाँ पे ड्राइंग में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है, जबकि ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम वर्ड आया था, इसलिए इन ड्राइंग्स पर सिक्स मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक साल का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका हाफ सिक्स मंथ एवरेज टाइम मानेंगे, उतने का इंटरेस्ट लगा देंगे। एग्रीड? ऐसे एक बार पूरा क्वेश्चन समझ लिया, अब स्पीड से करना है आपको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।